नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं वायरल सच। गुरुग्राम में मंगलवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्षा गार्गी कक्कड़ के नेतृत्व में भारतीय किसान यूनियन गुरनाम सिंह चढ़ूनी का पुतला फूंका गया। इस दौरान भाजपा के झंडे थामे कार्यकर्ताओं ने चढ़ूनी का पुतला फूंकते हुए कांग्रेस विरोधी नारे लगाए। आज नहीं तो कल खुदेगी, सैलजा तेरी कब्र खुदेगी। आज नहीं तो कल खुदेगी, सैलजा तेरी कब्र खुदेगी। आज नहीं तो कल खुदेगी। मीडिया से बात करते हुए गार्गी कक्कड़ ने कहा कि अब चढ़ूनी के कांग्रेस कनेक्शन सामने आने के बाद चेहरे से नकाब हट चुका है। कांग्रेस का जो विषय था, जो मेन उनका विषय रहता है कि उन्होंने गेन केन पर गेन किसी तरीके से सत्ता में रहना है, आज वो खुल चुका है कि वो कोई भी किसी भी स्तर पर गिर सकती है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आज उनको ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा कि वो सत्ता में नहीं है। और आज उन्हें ये लग रहा है कि देश की साख जिस तरीके से गौरव भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल लेवल पर इस साख को बढ़ाया है, उस साख को गिराने का काम कर रही है। और किसी भी तरीके से सत्ता में आने के लिए वो तिरकी तरीके से लोगों का इस्तेमाल कर कर कभी भोली भाली जनता को गुमराह करती है, कभी किसान बिल को लेकर उन्होंने जैसे गुरनाम जैसे व्यक्ति को इस्तेमाल किया और गुरनाम जैसे दलाल को आपके मीडिया के माध्यम से वो ओपन हुआ, तो देश की साख देश की जनता गिरने नहीं देगी। और ऐसे लोगों को जरूर जरूर एक ना एक दिन ओपन होना पड़ेगा, और जब वो ओपन होंगे तो कभी सत्ता में आ नहीं पाएंगे। किसान आंदोलन था, कहा किसानों का नाम लेकर भोले भाले लोगों को बरगला कर, भोले भाले किसानों को बरगला कर ये काम को किया जा रहा था। अब उनके दलालों का चेहरे सामने आ गए हैं। और जब सारी बातें किसानों की मान ली गई, एक बिल आया, उस बिल में संशोधन कर दिया गया, सारी चीज़ों को उनके मान लिया गया, फिर क्यों नहीं उठ रहे? ये तो साफ साफ है कि देश की साख को गिराने का काम है, कांग्रेस की चाल थी। और कांग्रेस किसी भी तरीके से सत्ता में आना चाहती है, क्योंकि लंबे समय तक उसने राज किया है, आज वो छटपटा रही है। इस अवसर पर रोष और जोश से भरे भाजपा कार्यकर्ताओं ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग भी की। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी गुरुग्राम के हजारों कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष बहन गार्गी कक्कड़ के नेतृत्व में कांग्रेस के यथाकथित चमचे कहें या उसके नेता कहें, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का पुतला फूंक के अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि भोले भाले किसानों को लेकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं और अपने राजनीतिक भविष्य को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा सरकार हरियाणा सरकार से निवेदन और आग्रह है, ऐसे इंसान के खिलाफ देशद्रोह का केस लगाकर उसको अंदर करने का कार्य करना चाहिए। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का जो ये आज भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष बड़ी बहन गार्गी कक्कड़ जी के नेतृत्व में आज यहाँ ये पुतला फूंका जा रहा है, क्योंकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी कांग्रेस पार्टी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं, जो भोले भाले किसानों को गुमराह कर रहे हैं, आज उसी के लिए बहन गार्गी जी के नेतृत्व में यहाँ सारे पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं और सभी ने पूरे अपने भरपूर विरोध के साथ यहाँ उनका पुतला जलाकर अपना विरोध जताया है। और गुरनाम सिंह जैसे सभी एजेंटों को ये एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि आप इन भोले भाले किसानों को गुमराह करना बंद करो, तभी देश सुरक्षित रह सकता है। और किसानों से भी हम अपील करते हैं कि वो अभी भी, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो उसके बावजूद किस चीज़ का विरोध? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो इस देश में कोई अदालत नहीं है, तो वो अपना आंदोलन छोड़कर अपना आराम से घर बैठे, कोर्ट का जो भी फैसला आएगा हम उसका सम्मान, भारतीय जनता पार्टी, इस देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री पहले भी इस कोर्ट के फैसले का हम सम्मान करते हैं और आगे भी जो कोर्ट दिशा निर्देश देगा हम उसका भी सम्मान करेंगे। जैसे जैसे 26 जनवरी के दिन नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे किसानों की ट्रैक्टर परेड का खतरा भी सरकार पर मंडराता जा रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर लगे आरोपों से क्या किसान आंदोलन राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा या होगी आंदोलन पर बैठे किसानों की जीत। इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे आपका अपना चैनल वायरल सच। नमस्कार।